नमस्ते नमस्ते बापूजी, छत पर हैं। नमस्ते, आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मीरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। वेट, तुम बिल्कुल सही कात रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही, गुड गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर आंबेडकर आवे आज। हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई, और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दांभिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च किए, मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च किए। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया, मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए। जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं। लेकिन यह सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सुलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान ना रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है, आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूँ। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहां खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असह्यम महादेव भाई। जी बापू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार हैं? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा कि तो पुरोगामी ब्राह्मण है पूना के।